हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आज मेरे पहले मतलब 2K सब्सक्राइबर होने से पहले मैं तो एक अनाउंसमेंट किया था कि 2K सब्सक्राइबर स्पेशल मैं Q&A करूँगा। तो Q&A मैं जल्दी करने वाला हूँ। तो फिलहाल तो मैं कल जा रहा हूँ गुजरात के छोटा सा ट्रिप पे। एंड गुजरात सोच रहा हूँ मैं गुजरात से आने, ऐसे 2K फैमिली मेरा हो गया ऑन यूट्यूब। तो मैं जैसे आप लोगों को बोला था फाइनली मतलब Q&A करूँगा 2K पे, तो 2K तो फाइनल हो गया एंड बचा Q&A करने का। तो मैं सोच रहा हूँ कल मैं जा रहा हूँ गुजरात छोटा सा ट्रिप में, मस्त घूमेंगे थोड़ा। एंड हाँ, गुजरात से आने के बाद सोच रहा हूँ Q&A करूँगा। तो आप लोग 2-3 दिन वेट करो, कल गुजरात जाऊँगा। कल एक दिन के लिए से मैं जा रहा हूँ गुजरात वापस, तो भैया के इधर। तो हाँ, थोड़ा बहुत घूमेंगे फिर मज़ा आएगा उधर जाके। एंड हाँ, गुजरात से आने के बाद मैं Q&A करूँगा। तो आप लोग थोड़ा और सब्र, 2 दिन और वेट कर लो, देन उसके बाद जो भी सवाल आप कह रहे हो उसका मैं सबका जवाब दूंगा। Q&A स्पेशल वीडियो बनेगा, तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा जब मैं गुजरात से आऊँगा उसके बाद। तो फिलहाल तो आज मैं ब्लॉग बनने वाला है सेक्टर 34 एंड 36 का। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई सेक्टर 34-36 का वीडियो बनाओ, तो इतना दिन से मैं नहीं बना पा रहा था, बट आज फाइनली मैं सेक्टर 34 एंड 36 का ब्लॉग बनाने वाला हूँ। तो हाँ, एंड इधर से मतलब सेक्टर 34 में तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है। तो हाँ, आज देखते हैं क्या चेंजेस है क्या नहीं है। सो वीडियो को शुरू से इंटर देखना, वॉच करना गाइस। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड बिकॉज मैं इंफॉर्मेशन टिप ब्लॉग एंड अपना डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग दोनों में लाते रहता हूँ। तो हाँ, आप लोग अपना प्यार एंड सपोर्ट करो। 2K सब्सक्राइब भी हुआ एंड 3K भी जल्द से जल्दी करना है। तो फिलहाल तो जाते हैं सेक्टर 34 एंड 36। एंड मैं ज़्यादातर मतलब घूमने आया तो वापस गुजरात से जाता हूँ। तो हाँ, गुजरात में इस बार ना बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला। लास्ट टाइम ही मैं गया था तो फ्रेंड्स लोग को ना मतलब क्लासमेट लोग से सबसे मिला था, सब ना दो ही जन थे। बट हाँ, इस बार भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गुजरात जाने के लिए। ऐसे ज़्यादा दिन के लिए नहीं, बट एक ही दिन के लिए जा रहा हूँ। बट हाँ, ब्लॉग के लिए मतलब ज़्यादा सोच लो ब्लॉग के लिए जा रहा हूँ, ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा मतलब टाइम नहीं मिला था। तो एक दिन है तो जाते हैं गुजरात एंड मस्त बनाएंगे ब्लॉग। फाइनली सेक्टर 34 के तरफ, जैसे कि आप मतलब पूरा सर्कल है सेक्टर 34-36, सेक्टर 27 सामने, एंड इस साइड है सेक्टर 37 जो कि धनश्री सोसाइटी है। एंड मतलब पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस, एंड पूरा जो रोड है ना, रोड वगैरह ये सब बन रहा है। तो मतलब पहले से ज़्यादा तरह फैसिलिटी में फाइनली सेक्टर 34 एंड पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गया। देख रहे हो हमारे तो इतना भी चेंजेस हो जाए, लेकिन धूल उड़ना ना कभी बंद नहीं हुआ ऐसा लग रहा है। देखो वैकम कितना धूल उड़ रहा है। बट फाइनली सेक्टर 34 और 36 का तो मतलब पूरा अलग ही दिख रहा है, मतलब पूरा कलर वगैरह सब हो गया। देख रहे हो मतलब सही दिख रहा है अभी, मतलब तलोजा फेस्ट को पूरा जब रोड वगैरह सब बन रहा है तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि फिर भी धूल उड़ना कम नहीं होगा ऐसा लग रहा है। बट कोई नहीं, आगे जाकर मैं आप लोग को धीरे धीरे दिखाता हूँ एंड बताता हूँ। लेकिन सेक्टर 34 में आ गया, देख रहे हो मतलब काफ़ी ज़्यादा ही मतलब रेडी हो चुका है। देख रहे हो मस्त, मतलब पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गया। मैं कितने टाइम बाद आ रहा हूँ, बट पहले से बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गया, मतलब ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। एंड देख रहे हो पूरा काफ़ी टाइम बाद इधर आ रहा हूँ, समथिंग 1.5-2 महीना हो गया। एंड मतलब पहले जो आया था तभी मतलब इतना चेंजेस नहीं था, बट अभी मतलब लिविंग वाइज तो आपको नहीं बता सकते, जैसे L1, L2, E1, E2 ऐसा मतलब अच्छे से अभी पता नहीं चल रहा। बट मतलब अंदर का जो कंडीशन है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो मतलब पहले से बहुत ज़्यादा ही चेंजेस है, एंड उसके बाद तो मतलब धीरे धीरे मतलब कुछ टाइम और लगेगा इसको मतलब रेडी होने में। इस साइड जो सेक्टर 34 साइड है, ओ भाई साहब देख रहे हो मतलब गार्डन वगैरह सब, जैसे मतलब सिटको का जितना भी बिल्डिंग रहता है सब सेम ही रहता है। भले ही मतलब रूम का साइज वगैरह थोड़ा चेंजेस रहता है, बट बाकी अदरवाइज सब चीज़ सेम ही है। एंड खिड़की दरवाज़ा भी सामने देख रहे हो, खिड़की एक्चुअली अभी लगा नहीं है को, मतलब किसी में कोई बिल्डिंग में अभी खिड़की नहीं लगा, बट धीरे धीरे कुछ टाइम 2-3 महीने बाद तक 2-3 महीने में रेडी हो जाएगा। एंड मतलब अच्छे से प्रॉपर वीडियो तो मैं अभी अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, बिकॉज मतलब अंदर का कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। तो हाँ, मतलब अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो फिर मैं आप लोग को अच्छे से बताऊंगा, बट इस टाइम के लिए थोड़ा बहुत मतलब पता नहीं है। तो हाँ, जब अच्छे से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जब अच्छे से पता हो जाएगा तो आपको अच्छे से मैं बताऊंगा, बट तब तक के लिए आप लोग यही देखो। एंड अभी तो पूरा ही कंस्ट्रक्शन एरिया, तो मतलब पूरा काम चालू ही है। एंड गाड़ी का आना जाना इधर, ट्रक वगैरह पानी ये सब मतलब हमेशा चल ही रहा है। एंड देख रहे हो मतलब इधर इस साइड खिड़की भी ऊपर लग गया है, नीचे ग्राउंड फ्लोर में बाकी है। एंड ये आई थिंक E1 है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जो आया था मतलब E1 में ऐसे दिख रहा था, बट कंफर्मेशन तो अभी नहीं बता सकता। एंड लास्ट मतलब एक और ब्लॉग जो बनाया था उसमें आप लोगों को रूम भी चेक कराया था, बट इस टाइम थोड़ा मुश्किल है। वाह, मतलब ये अभी अंदर आने के बाद फीलिंग जैसा लग रहा है, मतलब सब बिल्डिंग जैसा सेम है, नोईसा सेक्टर 27 जैसा। ये आई थिंक सोसाइटी का ऑफिस बन रहा है इस साइड सेक्टर 34 का, मतलब हर सोसाइटी का ऑफिस जो रहता है ना वो। एंड देखो इसका भी काम चालू है, एंड पूरा सोसाइटी अंदर से
मतलब सही दिख रहा है ना पहले के मुकाबले में। पहले इतना कुछ रेडी नहीं हुआ, मतलब बना नहीं था, बट अभी पूरा ही बन चुका है। पूरा सुस्ता है, मतलब पूरा इसमें काफी, मतलब थोड़ा कम बिल्डिंग ऐसा लग रहा है। आ गया मैं बाहर एंड अंदर, मतलब अच्छे से इंफॉर्मेशन अंदर का मेरे पास अभी नहीं था पहले जैसा, बट हाँ जितना हो सके उतना आप लोगों को दिखाया। एंड मतलब नेक्स्ट टाइम होगा तो अच्छे से, मतलब प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा मैं, जो कि मतलब हर मतलब विंग वाय अच्छे से मतलब आप लोगों को बताऊं, बट इस बार बहुत पॉसिबल नहीं हो पाया। मुकाबले में 34 मतलब काफ़ी ज़्यादा ही चेंजेस हुआ है, एंड पहले उतना नहीं था, बट हाँ इस बार ना मतलब डेवलप हो रहा है ना। कितना टाइम हो गया, 1.5-2 महीने हो गया, तो 1.5-2 महीने में तो कितना कुछ बदल जाता हो तो आप लोग समझ सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो पक्का बोल रहा हूँ कि पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ बनाऊंगा। लास्ट ब्लॉग जो बनाया था मतलब सेक्टर 34-36 का, तो मतलब पूरा अंदर जाकर आप लोग को रूम वाई मतलब अच्छे से बताया था एंड दिखाया था, बट इस बार पॉसिबल नहीं हो पाया। मतलब लास्ट ब्लॉग में तो पूरा रूम आपको दिखाया था, मतलब कितना कौन सा रूम, मतलब कितना बड़ा है, मतलब किस में क्या है, मतलब खिड़की वगैरह लगा के, मतलब हर चीज़ मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ मतलब लास्ट टाइम बनाया था। एंड E1, E2, L1 ये सब आप लोग को लास्ट ब्लॉग में बताया था, समथिंग 1.5 महीना हो गया उसका, तो हाँ इस बार तो नहीं हो पाया। बट उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं जब सेक्टर 34 का वीडियो बनाऊँ तो मतलब थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि मतलब लास्ट कितना टाइम हो गया इसको ऐसे मेरे को अच्छे से पता नहीं है, एंड काफ़ी ज़्यादा अंदर डेवलप हो गया है। फिर ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मतलब कल गुजरात का ट्रिप भी होने वाला है, एंड कल बहुत ज़्यादा फिर गुजरात से आने के बाद Q&A वीडियो भी करना है, तो हाँ मतलब एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, बस आराम से हो जाए। एंड कल देखो, कल सुबह शायद मॉर्निंग में 6 बजे ट्रेन है, मतलब यहाँ से मतलब पनवेल से नहीं तो फिर बांद्रा से मिलेगा, कल देखेंगे। फिलहाल तो आज को आपका छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में बताना। सेक्टर 34 अभी पहले से काफ़ी ज़्यादा सही दिख रहा है, एंड सेक्टर 34 या फिर मतलब तलोजा फेस 2 पूरा अभी डेवलप में चला, मतलब पूरा रोड वगैरह काफ़ी ज़्यादा बन रहा है। एंड मुझे एक्चुअली ये सही हो गया कि मतलब पहले ना भाई रोड इतना ख़राब था, एक लास्ट ब्लॉग में बनाया था पॉल्यूशन वाला तलोजा का, तो उसमें आप लोग रोड का कंडीशन में दिखाया था कितना बहुत बेकार वाला था, बट हाँ एंड फाइनली अभी सही हो रहा है पहले से ज़्यादा, तो हाँ। एंड इस टाइम अच्छे से नहीं बना पाया वीडियो में, बट उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मतलब सेक्टर 34 का ब्लॉग बनाऊँ तो अच्छे से मतलब इन्फॉर्मेशन पूरा देख के बनाऊँ, क्योंकि इस टाइम तो अच्छे से नहीं ध्यान में आ रहा है। बट नेक्स्ट टाइम उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को छोटा मतलब मेरा काम था मतलब अंदर से मतलब अंदर का क्या कंडीशन हो सो आप लोग को दिखाना, तो दिखा दिया। एंड नेक्स्ट टाइम होगा तो आप लोग कॉमेंट आएगा तो मैं वापस से प्रॉपर वीडियो एक बनाऊँगा। एंड कल के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, कल जा रहा हूँ गुजरात का ट्रिप मस्त मज़े करने। एंड इस टाइम तो मैं जा रहा फिलहाल ट्रेन से ही, तो हाँ नेक्स्ट टाइम मतलब एक बार मेरा प्लान है कि मैं बाइक से यहाँ से गुजरात जाऊँ, तो कब होगा वो पता नहीं, बट हाँ जब भी होगा मज़ा बहुत आएगा। फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग को छोटा सा इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा इस तलोजा वाले के लिए। तो तब तक लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।